अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपका हमारे चैनल पर फ़याज़ ग्लोबल डॉग्स पर। और पिछले सेगमेंट में आपने देखा था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का व्लॉग, तो अभी इसका दूसरा सेगमेंट है जो कि उसी के नेक्स्ट में आपने ज़रूर सुना होगा, सिंधोलॉजी। सिंधोलॉजी आज हम विज़िट करेंगे और यहाँ पे आए हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के नेक्स्ट में है एक म्यूज़ियम, इसका नाम है सिंधोलॉजी। और यहाँ हम आज इसके अंदर इंटर हो चुके हैं और अभी टिकट लेके हम एंट्री मारेंगे अंदर, और आपको बहुत सारी जो हिस्ट्री के मुतालिक चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे और इसके अलावा इसके अंदर जो भी गैलरियाँ हैं, ठीक है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गैलरी और शहीद अली भुट्टो गैलरी एंड अदर जो भी पर्सनालिटीज़ की लाइफ है उनके बारे में आपको एज आर्ट्स के लिए फ़ोटो की शेप्स में आपको दिखाएंगे, और उनकी जो डेली लाइफ की जो चीज़ें थी वो भी इनके सारी जो वहाँ पे एज म्यूज़ियम में उन्होंने बंद करके रख दिया है कि मेमोरी के तौर पर याद कर दिया किया जाए। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप हमारे चैनल पर फयाज ग्लोबल व्लॉग्स। तो आज हम आए हैं सिंध म्यूज़ियम ऑफ जामशोरो विज़िट करने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टैचूज़ हैं और पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं डिस्प्लेज के लिए। ये देख सकते हैं कि आप पुराने ज़माने में जो ये चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी, और ये इनको जो है ना एक बड़े ग्लासेस में बंद करके शो ऑफ और डिस्प्लेस के लिए दिखाया गया है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा ये जो पुराने ज़माने में जो है पुराने घर हुआ करते थे, और ये लाइफस्टाइल बता रहे हैं कि जैसे कूली जो है ना किस तरह से वो अपना लाइफ गुजारते थे। Thank you.
सो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा व्लॉग कंप्लीट हो चुका है और अभी हम यहाँ म्यूज़ियम से बाहर निकल रहे हैं एम्पायर ग्राउंड की ओर। तो यहाँ पर हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और बहुत पसंद करेंगे म्यूज़ियम ऑफ सिंथोलॉजी। ओके, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करना लाजमी, और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो बेल प्रेस के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।